सो हम में से बहुत लोगों ने चिकन विंग्स तो खाया ही हुआ। कुछ को KFC का पसंद है, कुछ को मैकडी का पसंद है, कुछ को डोमिनोज का पसंद है, कुछ को पिज्जा हट का पसंद है और कुछ को बर्गर किंग का। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कौन सा बेस्ट है? अगर आप टेस्ट किए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा खाते हो। मैं नहीं बताऊंगा। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल तुम्हारे? सो आज के इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले KFC वर्सेज बर्गर किंग वर्सेज पिज्जा हट, किसका चिकन विंग्स ज्यादा अच्छा होता है। बेसिकली रांची में मैकडी नहीं, इसलिए मैं मैकडी से ऑर्डर नहीं कर पाया और डोमिनोज डिलीवरी नहीं देता है तो वहां से मुझे पिकअप करने जाना पड़ता है, इसलिए मैं इन तीनों को कंपेयर करने वाला हूं। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। सो हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इनका प्राइस का। KFC से मैंने ऑर्डर किया हॉट चिकन विंग्स 4 पीस, जिसका प्राइस है 179, पैकेजिंग चार्ज है 37, प्लेटफॉर्म फी 5 रुपया, डिलीवरी पार्टनर 50 रुपीज और टैक्स 11 रुपया और डिस्काउंट इस पे है 53 रुपया का। तो टोटल कॉस्ट इसे पड़ रहा है मेरा 210 रुपये में 4 चिकन विंग्स। सो अब बात करते हैं पिज्जा हट का। तो पिज्जा हट से मैंने सेम चिकन विंग्स ऑर्डर किया 4 पीस, इसका टोटल प्राइस है 219 रुपया, पैकेजिंग चार्ज है 49, प्लेटफॉर्म फी 5 रुपया, डिलीवरी चार्ज 30 रुपया और टैक्स मिलाकर 14 रुपया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और टोटल प्राइस होता है 318 रुपया। और इनका पैकेजिंग, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो बात करें बर्गर किंग का, तो इसमें मेरे को चिकन विंग्स फ्राइड मिलता है 4 पीस 159 रुपीज का, टैक्स 8 रुपया, डिलीवरी चार्ज 56 रुपीज, पैकेजिंग चार्ज 10 रुपया और प्लेटफॉर्म फी 3 रुपया। तो इस हिसाब से मेरा इसका पड़ता है 236 रुपया। सो अब बात करते हैं इनका पैकेजिंग का। देखो बर्गर किंग का पैकेजिंग मेरे को अच्छा लगा, काफी डिसेंट है। वहीं पर KFC का इसका भी अच्छा लगा, लेकिन पिज्जा हट क्या मतलब तुमने 200 रुपए लिया है, सबसे महंगा है पिज्जा हट का, 200 में 300 कुछ समथिंग लिया है और टोटल प्राइस होता है 318 रुपया। भाई तो ये पैकेजिंग है 5 रुपया कंटेनर, अरे माँ कसम भाई तुम, और क्या दिया, ओरिगेनो दिए इसके साथ। अबे तुमसे मैं पिज्जा ऑर्डर किया था भाई, मैंने चिकन विंग्स किया था, चिकन विंग्स में ओरिगेनो कौन देता है? खैर वो खोलने के बाद पता चलेगा। तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा बेस्ट है। देखो बात करें पैकेजिंग का, तो मेरे को सबसे बेस्ट तो लगा KFC का, और चिकन में भी मैं श्योर हूँ KFC ज़्यादा बेटर होगा। ये है चिकन बर्गर किंग का, ये है पिज्जा हट का और ये है KFC का। चलो देखते हैं किसका टेस्ट में सबसे बेस्ट है। चलो चलो चलो, सबसे पहले बर्गर किंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे को कुछ मैदा का क्वांटिटी ज़्यादा लग रहे हैं। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हो मैदा का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। और भाई साहब ये जूसी बिल्कुल नहीं है, काफी हार्ड है। देखो बात करें टेस्ट का तो काफी डिसेंट सा है, लेकिन इसका चिकन का पीस काफी हार्ड है, मतलब उसमें जूसी नहीं है, जूसी मिसिंग है, प्लस इसमें मैदा का क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है, जो लेयर से काफी मोटा है मैदा का। ठीक है समरिया, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपना KFC की तरफ। लेकिन एक सेकेंड, पहले पिज्जा हट, ये चिकन विंग्स तरीका, भाई इनका पैकेजिंग देखो तुम, इतना वाहियात पैकेजिंग, भगवान भगवान बचाए मेरे को। चलो टेस्ट करके देखते हैं स्वाद कैसा है। देखो सच पूछो तो टेस्ट में अच्छा है, इससे बेटर है, लेकिन ये ना चिकन विंग्स फ्राई नहीं है, ये बेसिकली जो सॉस ही प्रोवाइड करता है ना डोमिनोज, वैसा कुछ है। बट टेस्ट में अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, बट पैकेजिंग क्वालिटी बहुत वाहियात है, इंप्रूव करने की जरूरत है। पिज्जा हट वालों थोड़ा सा इंप्रूव कर लो पैकेजिंग। अच्छा ये देखो, इसे बोलते हैं पैकेजिंग। तो चलो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपना फेवरेट KFC की ओर। सो ये है चिकन विंग्स KFC के साइड से, जो कि सबसे बेस्ट होता है। ये देखो इसको खाने के बाद ना लोग तृप्त हो जाते हैं। चलो ट्राई करते हैं। एज यूजुअल बेस्ट है भाई, मैं बोला ही था KFC बेस्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था इनका पैकेजिंग इतना खराब होगा। और इसका टेस्ट ठीक था, लेकिन उसके अलावा चिकन अच्छा नहीं था, देन उसका जो ऊपर का लेयर था वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर सीधा बात करें रेटिंग का, तो इसको तो मैं 10 में 9/5 दूंगा, इसको 7 आसपास दे दूंगा और इसको भी 6 दे दूंगा। इसका क्यों मैंने काटा मैं तुम्हें बताता हूँ, इनका पैकेजिंग कारण, अदरवाइज इसका टेस्ट अच्छा है। वहीं बात करें इसका टेस्ट का, तो इसका टेस्ट भी डिसेंट है, लेकिन इसका चिकन में जूसी नहीं है और इसका जो मैदा का लेयर है वो काफ़ी मोटा है,
तो इसलिए मैं इसका नंबर काटा और इसका रेटिंग तो भाई 9.5 इंच कोई दे ही नहीं सकता है। तो चलो गाइस, ऐसा ही कंटेंट अगर आपको पसंद आता तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।